आज वैशाख कृष्ण सप्तमी शनिवार 23 अप्रैल 2022 है। जय श्री कृष्ण, आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज पुष्टि मार्ग के द्वितीय ग्रह निधि प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी का पाठोत्सव है। आप सभी को खूब खूब बधाई। यह दृश्य प्रभु विट्ठलनाथ जी की गौशाला का है। इस प्रकार के दृश्य वहाँ नित्य प्रति देखने को मिलते हैं। गौ माता भी शायद यही कह रही हैं, नमामि विट्ठलेश्वरम सदाच्युदार मानसम स्वभक्त रक्षणम क्षमम व्रजेश भक्ति भावदम। और शायद स्तुति भी कर रही है कि पूर्ण भाव पूर्वक शरण में आए गोपी जनों के मन का पोषण करने वाले श्री स्वामिनी जी सहित विराजित गौर श्याम स्वरूप श्री विट्ठलनाथ जी प्रभु, मैं आपका वंदन करता हूँ। आइए थोड़ा सा श्री विट्ठलनाथ जी के बारे में जान भी लेते हैं। चरनाट में महाप्रभु जी के यहाँ जिस दिन आपके द्वितीय पुत्र श्री गुसाई जी का प्राकट हुआ, उसी दिन एक ब्राह्मण आए जिन्होंने श्री महाप्रभु जी को श्री विट्ठलनाथ जी का यह विग्रह स्वरूप दिया। श्री महाप्रभु जी ने प्रसन्न होकर कहा कि आज प्रभु एवं पुत्र दोनों पधारे हैं, इस कारण इनका नाम हम श्री विट्ठलनाथ रखेंगे। विट्ठल का अर्थ अज्ञानियों को ज्ञान रूपी प्रकाश बताने वाला होता है, अतः यह बालक पुष्टि मार्ग का पूर्ण विकास करेगा। प्रभु के इस स्वरूप की सेवा श्री महाप्रभु जी के साथ श्री गुसाई जी करते थे एवं कालांतर में श्री गुसाई जी ने यह स्वरूप अपने द्वितीय पुत्र श्री गोविंद राय जी को सेवा हेतु प्रदान किया। श्री गोविंद राय जी ने प्रभु के स्वरूप को गोकुल में यशोदा घाट स्थित मंदिर में पधरा कर वर्षों सेवा की। आपके पुत्र श्री कल्याण राय जी एवं उनके पुत्र श्री हरि राय जी ने भी यहीं प्रभु की खूब सेवा की। यह स्थान आज श्री हरि राय जी की बैठक के रूप में जाना जाता है। श्री हरि राय जी भविष्य दृष्टा थे। उन्हें आभास हो गया कि श्री जी भविष्य में व्रत छोड़कर मेवाड़ पधारेंगे, अतः आप पहले ही प्रभु के स्वरूप सहित मेवाड़ पधारे एवं नाथद्वारा के निकट खमनोर गाँव में विराजित हो सेवा करने लगे। जब श्रीजी मेवाड़ पधारे तब अपने श्रीजी मंदिर के निकट ही श्री विट्ठलनाथ जी का भव्य मंदिर बनवाकर आज के दिन प्रभु को वहां पधराया। तब से अब तक प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी अपने स्वामिनी जी सहित वहीं विराजित होकर भक्तों पर आनंद की वर्षा कर रहे हैं। वर्तमान में द्वितीय पीठाधीश गोस्वामी श्री कल्याण राय जी अपने पुत्रों श्री हरि राय जी एवं श्री वागीश जी सहित प्रभु की सेवा का लाभ ले रहे हैं। आइए थोड़ा स्वरूप दर्शन कर लेते हैं। श्री ठाकुर जी का स्वरूप श्याम है, परंतु श्री स्वामिनी जी का स्वरूप गौरवर्ण है। श्री स्वामिनी जी के प्रेम विवश हो प्रभु भी आधे गौरवर्ण बन गए, अतः श्री मस्तक के ऊपर से कमर तक श्याम एवं कमर से चरणारविंद तक गौरवर्ण है। दोनों श्री हस्त कमर पर टिके हैं। बाएं श्री हस्त में शंख एवं दाएं श्री हस्त में कमल है। श्री मस्तक किरीट मुकुट से सुसज्जित है। दोनों चरण सीधे हैं। एक चरण में नुपुर आभूषण है जबकि अन्य चरण में आभूषण नहीं है। साथ में श्री यमुना जी विराजित हैं जो कि ठाकुर जी के चौथे स्वामिनी जी हैं। उनके दोनों हस्त में कमल हैं। ऐसे द्वितीय पीठाधीश्वर प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी को कोटि कोटि वंदन। जय श्री कृष्ण।
पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में पुष्टि सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के जन्मोत्सव की सेवा चल रही है। इसी भावना से बाल भाव के श्रृंगार प्रभु को धराए जाते हैं और बधाई भी बैठी हुई है, अतः बधाई के कीर्तन भी गाए जाते हैं। इसी भावना के तहत प्रभु श्री जी को आज ऐच्छिक श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा से धराए जाने वाले इन श्रृंगारों के दर्शन हल्के से भाव कीर्तन के साथ करते हैं। ऐच्छिक श्रृंगारों की भावना के तहत प्रभु श्री जी की साज सज्जा में आज गुलाबी रंग की मलमल के वस्त्र की पिछवाई सजाई जाती है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया से सजी हुई होती है। पिछवाई के अलावा अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पर सफ़ेद बिछावट की जाती है। चरण चौकी के साथ दो पड़घा जी एवं बंटा जी जड़ाऊ स्वर्ण के पधराए जाते हैं। इनमें से एक पड़घा जी पर बंटा जी व दूसरे पड़घा जी पर झारी जी पधराई जाती हैं। सन्मुख में धरती पर त्रष्टि जी धरी जाती हैं। प्रभु श्री जी के आज के वस्त्र सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज गुलाबी रंग के मलमल के वस्त्र धराए जाते हैं। ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सजे हुए होते हैं। वस्त्रों के प्रकार में आज सूथन, चाकदार वागा, चोली एवं पटका धराए जाते हैं। प्रभु की पीठिका पर आज ठाड़े वस्त्र मेघश्याम रंग के धराए जाते हैं। श्री जी के श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो आज प्रभु को छोटा कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्तसाखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण आज हरे मीना के सिद्ध किए हुए धराए जाते हैं। गुलाबी रंग के मलमल के वस्त्र से सिद्ध किया हुआ ग्वालपगा प्रभु को आज धराया जाता है। ग्वालपगा के ऊपर सिरपेच तथा पगा चंद्रिका के साथ शीश फूल तो बाईं तरफ धराए ही जाते हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को आज लोलक बंदी लड़ वाले कर्ण फूल धराए जाते हैं। श्री जी को फूल घर की सेवा के तहत आज गुंजा माला के साथ चैत्री गुलाब के पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाक वाली दो माला जी धराई जाती हैं। विशेष रूप से एक कमल माला भी धराई जाती है। श्री हस्त में प्रभु के आज पुष्प छड़ी, लहरिया के वेणु जी एवं कटी पर ऐसे ही वैत्र जी भी धराए जाते हैं। श्री चरणों में प्रभु को आज पेंजनिया, नूपुर व बिच्छियाँ आभरण से मिलवा धराई जाती हैं। वहीं खेल के साज के तहत प्रभु के समक्ष आज पट गुलाबी व गोटी बाग बकरी वाली पधराई जाती है। इन सभी सुंदर वस्त्र श्रृंगार आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी को आरसी आज नित्यवत चांदी वाली ही दिखाई जाती है।
श्री जी की राग सेवा के तहत आज मंगला में भयो जगती पर जय जयकार, राजभोग में प्रकट भये प्रभु श्री मदवल्लभ, आरती में श्री लक्ष्मण नंदन जय जय जय, शयन में आज सुहावनी रात, तथा पोड़वे के पदों में पोड़िए पिए कुंवर कन्हाई कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख गायन किया जाता है। इन कीर्तनों के साथ प्रभु के समक्ष श्री महाप्रभु जी के जन्मोत्सव के बधाई के पत्तों गाए ही जाते हैं। श्री जी की सेवा का अन्य क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जैसे कि प्रभु श्री जी को तांबूल सेवा के तहत पान की बीड़ी अरोगाई जाती है, तो नित्य नियमानुसार मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, शयन भोग आदि में विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है, जिनमें मौसम के अनुसार फल एवं सतुआ का भोग विशेष अरोगाया जाता है। मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन में प्रभु की आरती उतारी जाती है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। Ooh.
जगत गुरु दीनानाथ दयाल जगत गुरु आरती हरण भक्त चिंतामणि आरती हरण भक्त चिंतामणि परमानंद दास को ठाकुर परमानंद दास को ठाकुर यह अवसर ओ सर छांटो जिन यह अवसर ओ सर छांटो जिन पत तर्यो जन ताप निवार पद्म धर्यो जन ताप आरती हरण भक्त चिंतामणि आरती हरण भक्त चिंतामणि परमानंद दास ठाकुर परमानंद दास को ठाकुर ये अवसर अवसर छाड़ो किन ये अवसर
गढ़े श्री हरि सुंदर ताकी सुंदर ताकी रास विजयपुर प्रगटे आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाटिल के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजू भाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।